अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जमात हश्तुम, मज़मून उर्दू, नज़्म नंबर 4, फूल की फरियाद। इस नज़्म के शायर हैं शौक़ कदवाई। प्यारा बच्चों, इस नज़्म को मैं यहाँ पर अभी समझाने वाली हूँ, तो आप भी अपनी किताब अपने सामने रखिए और हाथ में पेंसिल रखिए, ताकि जो मैंने अल्फाज के मायने लिखे हैं, ज़िद लिखे हैं, तो वो भी आप जो है वो उसमें अपनी किताब में लिखें, और साथ ही साथ जैसे हम लोग स्कूल में करते थे वैसे ही अपनी किताब में अल्फाज मानी अल्फाज को अंडरलाइन करके उसके खुद ख़त कशीदा करके उसके मायने लिखें, अगर ज़िद है तो ज़िद लिखें, और फिर उसको अपनी कॉपी में आपको उतारना है। ठीक है, तो यहाँ पर फूल जो है वो एक फरियाद कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है, अपनी शिकायत कर रहा है जो माली से या जिसने भी उसको तोड़ा है उससे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि फूल क्या कह रहा है। क्या खता मेरी थी जालिम, तूने क्यों तोड़ा मुझे, क्यों ना मेरी उम्र ही तक शाख पर छोड़ा मुझे। यहाँ पर मेरी से मतलब है फूल कह रहा है कि क्या गलती में, क्या मेरी गलती थी कि जालिम, अब ये जालिम किसको कह रहा है, जिसने भी उसको तोड़ा है शाख से, जिसने भी उसको तोड़ा है उसको कह रहा है कि मेरी क्या गलती थी जो तूने मुझे तोड़ा, क्यों ना मेरी उम्र ही तक शाख पर छोड़ा मुझे। यानी क्यों मुझे जो है वो फूल, जो फूल की उम्र कितनी होती है, उसकी कली से लेकर जब वो फूल खिलता है और झड़ता है, टहनी पर ही झड़ जाता है, तो वो उसकी उम्र उतनी होती है। तो वो कह रहा है कि क्यों नहीं तूने मुझको उस वक्त तक शाख पर ही छोड़ा। जानता अगर इस हंसी के दर्दनाक अंजाम को, मैं हवा के गुदगुदाने से न हंसता नाम को। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो कि मैंने खता का मतलब गलती लिखा है, जाली मैंने जुल्म करने वाला, अंजाम का मतलब होता है नतीजा, और उसकी जिद क्या होती है आगाज। तो कह रहा है, फूल कह रहा है कि अगर मैं अपने इस नतीजे को, इस अंजाम को जानता, कि जैसे जब हवा चलती है, हम बाग में जाते हैं हवा चलती है तो फूल जो है वो लहराते हैं, तो वो इनकी एक हंसी होती है जो हमारे दिल को लुभाती है और फौरन हम उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि वो उस हवा के गुदगुनाने से वो बिल्कुल भी नहीं हंसता, और वो अगर हंसता नहीं तो कोई उसकी तरफ मुतवज्जा होता नहीं, वो तोड़ने वाला ने उसकी तरफ ध्यान दिया और उसको उसने क्या किया, तोड़ दिया। शाख ने आगोश में किस लुत्फ से पाला मुझे, शाख वाहिद है इसकी जमा आएगी शाखें। तो जो फूल होता है वो कहाँ लगता है, शाख पर लगता है, उसकी गोद में खिलता है वो, और उसको यहाँ फूल यही कह रहा है कि शाख ने किस मोहब्बत से, किस लुत्फ से, कितने मज़े से जो है उसको पाला था, तूने मलने के लिए बिस्तर पे है डाला मुझे, और तूने मुझे बिस्तर पे बिछाने के लिए तूने क्या किया है, मुझे तोड़ा है। मेरी खुशबू से बसाएगा बिछोना रात भर। यहाँ पर खुशबू की जिद आती है बदबू, और रात की जिद आती है दिन। तो वो कह रहा है कि रात भर तू मुझे अपने बिस्तर पर रखेगा, और अपनी रात से जो है मेरी खुशबू से अपना दिल बहलाएगा, और जब सुबह होगी तो मुझे तू फेंक देगा खाक पर, और जैसी सुबह होगी तू मुझे क्या कर देगा, मिट्टी में डाल देगा। यहाँ पे सुबह का आएगा जिद शाम, और खाक के मतलब है मिट्टी। पत्तियाँ उड़ती फिरेंगी मुंतशिर हो जाएंगी, और जब तू सुबह में जब तू मुझे मिट्टी पर फेंक देगा तो क्या होगा, मेरी पत्तियाँ सूख जाएंगी और उड़ती फिरेंगी। पत्तियाँ जमा है, इसका वाहिद आएगा पत्ती, और हवा में क्या हो जाएंगी, मुंतशिर हो जाएंगी, मतलब बिखर जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता पत्तियाँ सूखने लगेंगी, और सूख कर वो पत्तियाँ जो है वो खाक में मिल जाएंगी, हो जाएंगी। तूने मेरी जान ली दम भर की जीनत के लिए, और इतनी सी अपनी खूबसूरती के लिए, अपने दिल की चाहत के लिए, कि थोड़ी सी मतलब अपनी मेरी खुशबू के लिए, मेरी खूबसूरती के लिए, दम भर की जीनत पर थोड़ी सी देर के लिए तूने जो है वो मेरी क्या ले ली, जान ली कि जफा मुझ पर फकत थोड़ी सी फरहत के लिए। और ये जो जुल्म तूने मुझ पर किया है वो किस लिए किया है, सिर्फ अपनी थोड़ी सी एक खुशी के लिए तूने किया है।
देख मेरे रंग की हालत बदल जाने पर है। तूने मुझे तोड़ा, अपने बिस्तर पर बिछाया, फिर दूसरे दिन जो है वो तूने फेंक दिया। उसके बाद मेरी पत्तियां मुंतशिर हो गई, और जब पत्तियां मुंतशिर हो गई सूख गई, सूखने के बाद उसका उसके रंग क्या हो जाता है, पत्तियों का बदल जाता है। तो फूल वही कह रहा है कि मेरे रंग की हालत बदल जाने पर है, पत्ती पत्ती हो चली बेआब मुरझाने पर है। और कुछ दिनों के बाद जो है वो पत्ती बेआब हो जाती है, मतलब पत्तियों के अंदर जो पानी होता है वो उड़ जाता है, पत्तियां सूख जाती है, मुरझा जाती है। जिसकी रौनक था मैं बेरौनक डाली हो गई, हैफ है बच्चे से माँ की गोद खाली हो गई। तो यहाँ पर जैसे वो कह रहा था फूल के मुझे गोद में पाला है डाली ने, जो है वो मुझे क्या किया है, अपनी गोद में आगोश में पाला है। तो वो उसकी माँ हो गई ना, जो हमारे एक बच्चे को कैसे माँ अपने बच्चे को अपने गोद में जतन से प्यार करती है, हर दुनिया की हर मुश्किल से बचाती है, वैसे शाख भी जो है वो फूल को अपने आगोश में पालती है, वो तो उससे माँ हो गई उसकी। तो यहाँ पर वो है मतलब अफसोस कर रहा है कि एक माँ से उसकी बच्चे से उसकी माँ की गोद खाली हो गई, और जो रौनक उसकी जो है वो झोली जो है वो रौनक से बेरौनक हो गई। तितलियाँ बेचैन होंगी जब ना मुझको पाएंगी, गम से भौरे रोएंगे और बुलबुले चिल्लाएंगी। अब यहाँ पे वो अपने साथियों को याद कर रहा है। तो उसकी साथी कौन थी, किसके साथ वो खेलता था, तितलियाँ और भौरे। तो जब वो तितलियाँ, अब तो उसका फूल तो टूट चुका है, तो अब फूल को याद आ रही है तितलियों की, कि अगर वो तितलियाँ मुझे नहीं देखेंगी तो कितनी बेचैन हो जाएंगी, और जब भौरे मुझे नहीं देखेंगे तो गम से क्या होंगे, रोएंगे, और बुलबुलें क्या करेंगी, चिल्लाएंगी, क्योंकि ये तितलियाँ ये भौरे ये बुलबुलें ये सब फूल को देख खुश होते थे और उसके साथ खेलते थे, गाना गाते थे। महर कहता है मेरी किरणों की सब मेहनत गई, माह को गम है कि मेरी दी हुई रंगत गई। महर यानी सूरज, ठीक है, सूरज, और उसका जिद जो है वो माह यानी चांद। तो सूरज की रोशनी में ही फूल पौधे पड़े होते हैं। तो यहाँ पर सूरज भी कह रहा है कि मेरी वो फूल के मेरी जो मैंने इतनी मेहनत से पौधे में फूल खिला था वो मेरी मेहनत क्या हो गई, बेकार हो गई। और चांद को भी गम है कि उसकी दी हुई जो खूबसूरती थी वो चली गई। दीदा हैरा है क्यारी बाग बाके दिल पर दाग, मतलब जो भी आंखें देख रही है वो हैरत से देख रही है, और जो बागबान है जो रखवाली करने वाला माली है उसके भी दिल में एक दाग हो गया है, मतलब एक जख्म हो गया है। शाह कहती है कि है गुल हुआ मेरा चिराग। यहाँ पे गुल हुआ मेरा चिराग से मतलब है कि चिराग जो है वो बुझ जाना, ठीक है। तो शाख के यहाँ पे चिराग को बुझ जाना, जैसे शाख जो है वो फूल की माँ है समझ जाओ, तो उसका फूल उससे जब जुदा हो गया मतलब उसके उसका जो है वो चिराग गुल हो गया, मतलब उसका बेटा या उसका बच्चा जो है वो उससे छिन गया। मैं भी फानी तू भी फानी सब है फानी, दहर में एक कयामत है मगर मचगे जवानी दहर में। यहाँ पे कह रहा है कि फूल अगर फूल जो है वो तोड़ने वाले से कह रहा है कि ऐ जालिम मैं भी तो मिट जाने वाला हूँ, तो इसका मतलब ये है कि तू नहीं मिटेगा, तू भी फानी है, हर कोई इस दुनिया में जो है वो फानी है, मतलब हर कोई इस दुनिया में मिट जाने वाला है। एक कयामत है मगर मर गए जवानी महर दोहर में, लेकिन दुनिया में जो इंसान या जो कोई भी जवानी की मौत मरता है वो एक कयामत ही बर्पा कर देती है। तो इस तरह से ये हमने नज़्म देखी फूल की फरियाद। आपको जितने अल्फाज मायने वो सब लिखना है, और मायने और इशारत भी आपको मैं समझा देती हूँ। आगोश का मतलब होता है गोद, मुंतशिर यानी बिखरना, जफा यानी जुल्म, हैफ यानी अफसोस, महर यानी सूरज, माह यानी चांद, दीदा हैरा मतलब हैरत से देखने वाली आँख, दोहर यानी दुनिया या ज़माना, मर्गे जवानी यानी जवानी की मौत। तो बच्चों ये सब आपको अल्फाज बानी जीद वगैरह सब लिखना है, मानी इशारत लिखना है, मशकी सरगर्मियाँ इंशाल्लाह मैं जूम में आपको समझाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।